वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे आयुर्वेद के हेल्थी एंड ब्यूटी घरेलू देसी नुस्खे में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फिर से एक नए उपचार के साथ यहाँ पर। तो अगर जो किसी को भी किसी प्रकार का श्वपन दोष वगैरह है, मल जाता है, अगर जो उसके मूत्र में अगर जो मल जाता है, तो आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं और इसकी परेशानी होती क्यों वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, ज्यादातर अगर जो ये स्वपन दोष वगैरह होता है तो यह आपको कवच के कारण होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा कवच रहेगी, उसका खाना सही से नहीं पचेगा, तो उसको ये ज्यादा परेशानी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अपनी कवच को ठीक करना है। कवच नहीं होगी तो आपको स्वपन दोष वगैरह नहीं होगा। और रेमेडीज की बात करूं, अगर जो किसी को फिर भी या अगर जो है बीमारी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पालक लेना है 250 ग्राम। दोस्तों, पालक लें और उसे सिल पर पीस करके उसका रस निकाल लें। तो आपको सुबह उठने के बाद, कोलगेट के बाद, अगर जो आप इसका 6-7 दिन प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको स्वपन दोष जैसी बीमारी बिल्कुल कभी नहीं होगी और बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर जो ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।